अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स असल हेयर अगेन फ्रॉम फ्लिक फॉर सो एक बेहतरीन टेस्ट मैच हमें देखने को मिला सेकंड मैच एशेस का बेहतरीन टेस्ट मैच 2023 का राइट नाउ मैच एंड पे पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द डे टू जीरो से सीरीज लीड कर रहा है 43 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गया डिस्पाइट ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ बेन स्टोक्स 155 की जो इनिंग्स उन्होंने खेली है फोर्थ इनिंग्स uh, में uh, उसके बावजूद इंग्लैंड ये मैच हार गया है uh, आज हम डिस्कस करेंगे क्यों ये मैच हारा बैक टू बैक दो मैचेस हो गए हैं इंग्लैंड ये मैचेस हार रहा है क्या वजूहत हैं आई पर्सनली थिंक जो पहली वजह है इंग्लैंड के हारने की के वो एक जैन स्पिनर के साथ नहीं जा जा रहे आई डोंट नो कि उनकी लॉजिक क्या है इसको सेकेंडली आई थिंक जो सिक्स और सेवेंथ बैटिंग uh, प्लेस है उसके अंदर दे आर मिसिंग uh, वोक्स वोक्स एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि आपको फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी रनस की इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं और वो आपको एक एक अच्छी इनिंग्स दे सकते हैं इंग्लैंड पहली इनिंग्स में दे फेल शॉर्ट टू बी ऑनेस्ट अगर इंग्लैंड पहली इनिंग्स में लीड थोड़ी सी कम रखता तो इंग्लैंड के पास चांस था कि वो मैच जीत जाए सेकेंड आई थिंक के जो सेकेंड वजह है जिसकी वजह से इंग्लैंड नहीं हावी हो पा रहा ऑस्ट्रेलिया पे वो है जिमी एंडरसन का आउट ऑफ द फॉर्म होना ही इज़ नॉट इन अ विकेट टेकिंग फॉर्म क्योंकि अर्ली ऑन आपको पता है कि लास्ट सेवन एट इयर्स में जो कि जो जोड़ी मशहूर हुई है इन टेस्ट क्रिकेट वो स्टूअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन की है ब्रॉड ने जरूर अच्छी बॉलिंग की है बिट्स एंड पीसेस में अपने डिफरेंट डिफरेंट स्पेल्स में अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं ऑफ एंड ऑन बट जिमी एंडरसन थ्रू आउट एक यू नो प्रॉपर विकेट टेकिंग फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं पूरा बॉल कर रहे हैं ड्राइव ड्राइव दे रहे हैं क्लासी वॉर्नर क्लासी स्मिथ के आगे So, uh, ये एक एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लैंड लैक कर रहा है जिम्मे एंडरसन का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है शैशी सीरीज में इंग्लैंड को वापस लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उस्मान ख्वाजा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स वो खेल खेले हैं उन्होंने फर्स्ट मैच में बेहतरीन इनिंग्स बेहतरीन शो किया अपने टेस्ट क्रिकेट में और इस मैच में भी उन्होंने 77 रन्स की एक शानदार इनिंग्स खेली है सेकेंड इनिंग्स में सो so, उनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं लबुशैन की अगर आप बात करें ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि आपको बहुत आराम से 100, 150 स्कोर की इनिंग्स दे सकते हैं बट समाउ दे ही फेल शॉर्ट ट्रेविस सेट ने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली एक फिफ्टी उन्होंने स्कोर की बहुत अच्छी फॉर्म में भी लग रहे हैं वो जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पहले जो इंडिया के साथ फाइनल था डब्ल्यू का उसमें भी एक बेशानदार इनिंग्स खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को जितवाने में अहम किरदार अदा किया था सो so, ऑन अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया एक एक बेहतरीन टच में भी है सेकेंडली उनके पास एक बैलेंस कॉर्ड है हाँ उन्हें एक चीज का जरूर झटका लगेगा कि नेथन लाइन फिलहाल इंजरी के बाइस ये मैच कंप्लीटली नहीं खेल पाए हंड्रेड मैच वो खेल रहे थे आ, आ, टोटली totally, कंटिन्यूसली और हंड्रेड मैच खेलना इस सम सम रिकॉर्ड बी और उनका ना होना आई थिंक जो उनकी इंजरी है वो शायद थर्ड मैच ना खेल पाए अगर तो वो थर्ड मैच नहीं खेलते तो ऑस्ट्रेलिया के पास uh, जो मैच जीतने की एक एक प्रॉपर यू नो जेनवन स्पिनर है नेथन लाइन वो uh, बॉल टर्न भी करते हैं और उनका स्ट्रेटर वन बहुत बहुत डिफिकल्ट है पिक करने का क्योंकि वो हाई आर्म से बॉल करते हैं और इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ स्पिनर्स राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट सो उनका ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक झटका जरूर होगा सो so, अभी उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है लेट सी कि वो आई होप कि वो फिट हो जाए और थर्ड uh, मैच भी वो खेलें uh, अभी जहां तक बात है एशेज की अभी तीन मैच बाकी हैं इंग्लैंड हैज द कैपेबिलिटी टू कम बैक और वो अगले तीन मैच जीत सकती है बट आई पर्सनली फील के ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है राइट right नाउ क्योंकि उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है क्योंकि वो डब्ल्यू फाइनल भी जीते हुए आ रहे हैं और टू uh, नील तो कर गए हैं आई थिंक थ्री टू से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत जाएगी व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट डू लेट मी नो मुझे बताइएगा कि आप क्या आ, समझ रहे हैं कि इधर इंग्लैंड विल कम बैक इंग्लैंड ये सीरीज़ जीत सकता है बाई थ्री टू और ऑस्ट्रेलिया ये मैच और नेक्स्ट मैच और ये पूरी सीरीज़ जीत सकता है और आपकी क्या प्रडिक्शन है इस सीरीज़ को लेकर बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर और अल्लाह हाफिज